से बातचीत हो पाए और जो जो ये पूरा मुद्दा है, किस तरह से लोग अन्ना के साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, ये आप बने रहिए हमारे साथ। सईद, इस बीच तस्वीरें जरा मायापुरी की आई हैं, अपने दर्शकों को दिखा दें। मायापुरी फ्लाईओवर, यहाँ पर देखिए किस तरह से जबरदस्त भीड़ यहाँ तक अन्ना के साथ खड़ी दिख रही है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसीलिए ये तस्वीर आपको कुछ धुंधली दिख रही है, लेकिन बता दें यहाँ पर किस तरह से इस जन समर्थन की वजह से, जबरदस्त भीड़ होने की वजह से अन्ना की ये आप कह सकते हैं जो क्रांति यात्रा है वो आगे धीरे धीरे बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन वक्त लगेगा, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे हैं रामलीला मैदान में, वहां पर पहुंचेंगे अन्ना। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मायापुरी फ्लाईओवर के आसपास, जबरदस्त वहां पर भीड़ है। ये ट्रक, ये काफिला, ये रण यात्रा, ये देखिए तस्वीरें बिल्कुल सामने से, ये ट्रक किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अन्ना इस पूरी जंग को, आगे की कतार से खड़े होकर खुद उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ट्रक पर वो सवार है। लेकिन जोश देखिए, 74 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति 68 घंटे 70 घंटे के आसपास मायापुरी पहुंच चुका है। ये कारवां, ये क्रांति का कारवां मायापुरी पहुंच चुका है। ये देखिए अन्ना झंडा लहराते हुए, तिरंगा लहराते हुए मायापुरी पहुंच चुका है ये कारवां, और साफ है अन्ना, वाकई आपने सही कहा है, 3 किलो आपका वजन जरूर घटा है लेकिन जोश शायद 4 गुना बढ़ चुका है, क्योंकि जिस जोश के साथ अन्ना की ये पूरी क्रांति यात्रा आगे बढ़ रही है, लोगों का सैलाब अब उनके साथ खड़ा है, और इसीलिए जनगण का रण हम इसे कह रहे हैं, क्योंकि आज देश की जनता अन्ना के साथ खड़े दिखना चाहती है, क्योंकि वो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ ये जंग लड़ना चाहते हैं। मायापुरी पहुंच चुकी है अन्ना की टीम, अन्ना का ये कारवां पहुंच चुका है, क्रांति का ये पूरा का पूरा जो कारवां ये अन्ना बढ़ रहे हैं। अब यहां से वो जाएंगे मायापुरी से, फ्लाईओवर के नीचे इस वक्त वो मौजूद है, सीधा जाएंगे राजघाट कार से, कहा जा रहा है जो अभी तक खबर आई है, राजघाट से वो जाएंगे और उसके बाद राजघाट के बाद वो सीधे निकल जाएंगे इंडिया गेट की तरफ, और इंडिया गेट से फिर रामलीला मैदान के लिए कूच करेंगे। जनगण का रन हम आपको दिखा रहे हैं, क्रांति का कारवां, अन्ना हजारे का, रालेगांव सिद्धि का एक शख्स 74 साल का, जो देश में एक आंदोलन ऐसा चला रहा है जिसमें उसे जनता का समर्थन है, ऐसा कोई भी कह सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि जनता आज अन्ना के साथ खड़ी है।